आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में जो अभी अभी सभी ग्राम पंचायत के खाते में जो राशि आई है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बारे में आदेश भी आ चुका है तो वो किस फंड की है, टाइड है या अनटाइड, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किस तरह से देखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे पुराने वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। पहले हम आदेश देख लेते हैं। आदेश जो निकला है दोस्तों पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से, ये क्रमांक दिख रहा होगा आपको, भोपाल दिनांक 14/9/2021 को, ठीक है, 14 सितंबर 2021, प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय यही है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग टाइड ग्रांट, वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत जारी प्रथम किस्त की राशि ₹883.20 करोड़ के उपयोग के संबंध में, ठीक है। तो अभी जो राशि आई है दोस्तों वो टाइड ग्रांट की आई है, ठीक है। इसमें साफ साफ आदेश में लिखा भी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के 15वें वित्त आयोग अंतर्गत जो है टाइड ग्रांट, वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत जारी प्रथम किस्त की राशि के उपयोग के संबंध में। तो 15वें वित्त आयोग टाइड ग्रांट वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत प्रथम किस्त की राशि जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों में क्रमशः 5%, 10% और 85% के अनुपात में सीधे उनके एकल बैंक खाते में जारी की गई है, ठीक है। तो जिला में 5%, जनपद में 10% और ग्राम पंचायत में 85%, ठीक है। सूची भी भेजी गई है। कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करते हुए संपूर्ण राशि का व्यय अनिवार्यतः पीएफएमएस ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ही नियमानुसार संपादित कराया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। हम इसी से करते हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल से व्यय। जारी राशि राज्य स्तर से संबंधित पंचायत के लॉगिन पर रिसिप्ट वाउचर के रूप में स्वतः ही प्रदर्शित होगी। ये वो ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, हमें रिसिप्ट वाउचर नहीं बनाना है, ठीक है, जिसे टाइड ग्रांट मद अंतर्गत दर्ज किया जावे। साथ ही जारी राशि की सूची ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्ट की जो ये लिंक है वो दिए, मैं इसको आपको बता भी दूंगा किस तरह से देखते हैं, से भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो टाइड ग्रांट का दोस्तों जो है मद आई हुई है, फंड आया हुआ है और ये इसका रिसिप्ट वाउचर हमें नहीं बनाना है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि 15वें वित्त आयोग का जो है रिसिप्ट वाउचर स्वतः ही बन जाएगा। और उसको किस तरह से फ्रीज करना है, हमें फ्रीज करना रहता है, उसके बाद ही हम उस अमाउंट को खर्च कर सकते हैं। तो मैंने पुराने वीडियो में सब बताया दोस्तों किस तरह से हम जो है पहले देखें कि अमाउंट कितना आया हमारी पंचायत में और फिर किस तरह से उसको फ्रीज करें, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर बन तो अपने आप जाएगा, हमें फ्रीज करना होगा, ठीक है। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग की विकास योजना 2021-22 तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश पूर्व से ही दिए गए हैं, जिसमें प्राथमिकता पर टाइड ग्रांट कार्यों को लेकर प्राथमिकता पर ही पूर्ण किया जाए। जैसे कि हमने बताया कि जो 15वें वित्त आयोग दो ग्रांट में बटा हुआ है, दो फंड में बटा हुआ है, टाइड और अनटाइड, तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता जा रही है टाइड ग्रांट के कार्यों को दी जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण दो कार्य हैं, वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और पेयजल, ठीक है। वर्ष 2021-22 से कार्य आधारित भुगतान अनिवार्य किया गया है, अतः पेमेंट वाउचर बनाते समय संबंधित निर्माण कार्य जिस पर व्यय किया जा रहा है आवश्यक रूप से चुने। साथ ही निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति, मतलब टेक्निकल अप्रूवल, ठीक है, TS प्रशासकीय स्वीकृति, AS कार्य पूर्णता की स्थिति एवं M एक्शन सॉफ्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से जियोटेक जो फोटोग्राफ अनिवार्यता अपलोड किया जाना है सुनिश्चित करें, ठीक है। ये संचालक महोदय पंचायत राज संचालन मधुरे से आदेश निकाला जा चुका है। तो ये दोस्तों हम देख सकते हैं प्रतिलिपि भी सब जगह दी जा चुकी है। तो इस तरह ये आदेश है दोस्तों। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें किस तरह से देखना है जो अमाउंट हमारी पंचायत में अभी आया है या नहीं, तो वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ और आपको इसमें भी बता देता हूँ। हम सीधे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर egramswaraj.gov.in पोर्टल ओपन कर यहाँ अकाउंटिंग पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक किया, इसके बाद दोस्तों हम सीधे चलेंगे PFMS इंटीग्रेशन रिपोर्ट। इसमें नीचे से सेकंड ऑप्शन है दोस्तों रिवर्स MIS, ये इसके थर्ड ऑप्शन है दोस्तों रिवर्स रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन ट्रेजरी PFMS EGS इंटीग्रेशन। ये जो ऑप्शन है इससे हमें पता चलता है कि हमारे बैंक खाते में, पंचायत खाते में अभी राशि आई है या नहीं, रिसिप्ट वाउचर बना है या नहीं, ठीक है। हम क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों स्कीम टाइप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आएगी, सेलेक्ट स्कीम हम कर लेंगे, XP फाइनेंस कमीशन ही रहेगी अभी। इसके बाद दोस्तों यहाँ स्टेट से देखने लगते हैं, ठीक है, तो हम स्टेट से देख लेंगे हमारा जो स्टेट है, जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ आसाम में दिख रही है यहाँ राशि रिसिप्ट अमाउंट, तो यहाँ जो है ये अमाउंट आ चुका है, ठीक है, 21-22 के टाइड ग्रांट का। ये आपको छत्तीसगढ़ में दिख रहा होगा अमाउंट, ठीक है, ये ग्राम पंचायत तक भी आ चुका है। जहाँ ये दिखने लगे मतलब अमाउंट का रिसिप्ट वाउचर आ गया है।
तो दोस्तों यदि मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ दिख रहा है, इसमें सारी अमाउंट दिख रही है हमको, जनपद, ग्राम पंचायत, सभी जगह दिख रही हैं। यदि ये अमाउंट जब तक नहीं दिखेगा, यदि आपके पंचायत के ग्राम पंचायत के खाते में यदि आ भी गया अमाउंट, तो भी दोस्तों आप खर्च नहीं कर पाएंगे जब तक कि यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ दिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जब अमाउंट पूरा दिखेगा, इसके बाद ही इस अमाउंट को फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने की दोस्तों मैं प्रोसेस आपको वीडियो में बता चुका हूँ, और मैं मेरी जो प्लेलिस्ट है ग्राम स्वराज की, उसमें आप पूरा सर्च कर देख सकते हैं। तो जैसे आप ये छत्तीसगढ़ में यहाँ सारे अमाउंट दिखने लगे हैं, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आप रिसिप्ट वाउचर को फ्रीज कर सकती हैं। ठीक है, तो अमाउंट आने के बाद भी यहाँ दिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ दिखने के बाद ही हम जो है अमाउंट को फ्रीज कर पाएंगे। जैसे ये मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ अमाउंट दिखने लगा है, ये देखिए हम यहाँ क्लिक करते हैं रिसिप्ट अमाउंट। इसके बाद दोस्तों हम अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ आ गया है, जैसे मैं एक पंचायत का देख लेता हूँ। यहाँ देखिए पूरा जाएगा, ब्लॉक पंचायत इक्विवेलेंट, विलेज पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत है ना, एलजीडी कोड, यहाँ यूनिक एजेंसी कोड जो जनरेट हुई वो पंचायत के अकाउंट नंबर के आखिरी के 4 अंक, आईएफएससी कोड। ठीक है, ट्रेजरी वाउचर नंबर आ जाएगा, यहाँ ट्रेजरी वाउचर डेट किस डेट को डली है। ठीक है, ई रिसिप्ट डेट इन ईजीएस ये दिख रहा है। अच्छा, ये दोस्तों अभी पहले वाला दिख रहा है, जो हमारी पहली राशि आई थी अब जो आई है। तो दोस्तों अभी जो मध्य प्रदेश में ये जो राशि दिख रही है, ये पहले वाली है जो हमारी पहले आ चुकी है, और इसको इसका हम रिसिप्ट वाउचर जो है फ्रीज कर भी चुके हैं। ठीक है, तो अभी टाइड ग्रांट का यहाँ शो नहीं हो रहा, तो अभी क्या हो रहा है, जब तक टाइड ग्रांट का यहाँ शो नहीं होगा, हम यहाँ पर जो है रिसिप्ट वाउचर नहीं बना पाएंगे। देखिए इसको हम लॉग इन करके भी देख सकते हैं, ये देखिए हम इसको लॉग इन करते हैं, होम पेज पर आ जाते हैं पहले। अब दोस्तों हम लॉग इन करते हैं मेकर लॉग इन से, अब हम लॉग इन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हम मेकर लॉग इन के होम पेज पर आ गए। हम यहाँ से चलेंगे वाउचर ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट वाउचर, ऐड ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ रिसिप्ट टाइप में दोस्तों जो है यहाँ पर हमें क्लिक करना है कौन सा, यहाँ पर हमें सीधे क्लिक करना है रिवर्स रिसिप्ट पीएफएमएस। ठीक है, मैं बाकी के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों, लेकिन अभी आज अभी हमें कौन सा क्लिक करना है, रिवर्स रिसिप्ट पीएफएमएस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, जैसे 2021-22। अब दोस्तों ये देखिए ये यहाँ नो वाउचर फाउंड आ रहा है, क्यों आ रहा है अभी, क्योंकि हम इसकी पहली राशि जो अनटाइड ग्रांट की आई थी वो तो हम उसको फ्रीज कर चुके हैं, लेकिन अभी जो आदेश आया है टाइड ग्रांट का, तो ये हमारे पंचायती खाते में तो अमाउंट आ चुका है टाइड ग्रांट का, लेकिन अभी चूंकि ऑनलाइन ये फ्रीज नहीं हुआ है टाइड ग्रांट वाला अमाउंट, इसलिए यहाँ पर अभी वाउचर नहीं दिख रहा है। जैसे ये टाइड ग्रांट जो पंचायत खाते में आ चुकी है हमारी, यहाँ जैसे ही दिखने लगेगी तो हम यहाँ से इसको फ्रीज करने की प्रोसेस कर सकेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है रिवर्स रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन, इससे भी हम चेक करते रहें कि कब हमारा अमाउंट जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा ही इसका अमाउंट भी आता है, तो मैं इसका टाइट ग्रांट का भी रिसिप्ट वाउचर फ्रीज करके बता दूंगा। मैंने अनटाइट का तो बताया ही था किस तरह से करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों मेरी स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन फ्रेंड से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।